जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान से तरोताजा जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ छोटी सी जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़ताल का तीज के बारे में, कि हड़ताल का तीज में कैसे व्रत रखना है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को कैसे मनाना है, क्या गलतियाँ आपको नहीं करना है, तो ये सारी चीजें हम वीडियो के अंदर बताएंगे। पूजा का सही मुहूर्त क्या है हम भी आपको बताएंगे। बस आप सभी लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। हड़ताल का तीज का व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं मनवांछित फल पाने के लिए, कि उनको मनवांछित वर मिले, इसलिए वो हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं। ये व्रत जैसे कि कहा जाता है कि बहुत ही कठिन होता है। ये निर्जल निर्जला रहा जाता है और ये करवा चौथ से भी कठिन है और इसको महिलाएं और लड़कियां बड़े ही प्रेम से रहती हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ को मनाती भी हैं। तो इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम वो भी आपको बता देते हैं। हड़ताल का तीज का व्रत ऐसा व्रत होता है जिसको एक बार करने पर, अगर आपने एक बार शुरू कर दिया, उठा लिया है हड़ताल का तीज का व्रत, तो उसको जीवन में कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। तो जब भी व्रत रखें बहुत ही सोच समझ के रखें, क्योंकि ये हड़ताल का तीज का व्रत ऐसे छोड़ा नहीं जाता है, हर साल आपको रखना पड़ता है। इसलिए जब भी आप हड़ताल का तीज का व्रत करना शुरू करें तो ये प्रण कर लें कि आपको जीवन भर व्रत रहना है, चाहे कोई भी समस्या आए लेकिन आपको व्रत रहना ही है। इस व्रत में जब भी महिलाएं पूजा करती हैं तो वो अपना 16 श्रृंगार पहले कर लेती हैं, उसके बाद ही भगवान शिव की पूजा आराधना करती हैं। ऐसे आपको भी करना चाहिए, सबसे पहले 16 श्रृंगार करें, उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। हो सके तो लाल रंग की साड़ी या लाल रंग का जो भी कपड़ा है आप पहन रही हैं तो लाल रंग का कपड़ा पहने। दूसरी चीज ये है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में ही करें, प्रदोष समय पर, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद तुरंत आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रदोष काल होता है। इस टाइम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करने से आपको अच्छा फल मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इससे प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती की, भगवान भोलेनाथ की और गणेश भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है जो कि बालू रेत और काली मिट्टी से बनती है और इसी प्रतिमा की पूजा आराधना की जाती है। पूजा आराधना आप उसी तरह से करें जैसे कि आप करते हैं, जैसे कि फूल माला रोली, अच्छा जो भी चीजें लगती हैं वो सारी चीजें लगाई जाती हैं, लाई जाती हैं भगवान भोलेनाथ को, फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ चढ़ाया जाता है, पंचामृत भी बनाया जाता है और माता पार्वती को पूरा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इस व्रत में आपको सोना नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता है कि अगर आप हड़ताल का तीज का व्रत हैं और आप सो जा रही हैं तो आपका ये अच्छा शुभ संकेत नहीं होता है कि अगर आप व्रत हैं और सो गई हैं, क्योंकि ऐसा भी माना गया है कि जो लोग सो जाते हैं उनको अजगर योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महिलाएं हड़ताल का तीज का व्रत करती हैं और सो जाती हैं व्रत के दौरान, तो उनको अगले जन्म में अजगर की योनि प्राप्त होती है। तो भूल कर भी आप सोए नहीं, दूध का भी सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, इसलिए दूध का सेवन भी ना करें। हड़ताल का तीज का व्रत अगर आप हैं तो उस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने से जो बड़े हैं उनका मान सम्मान करें, किसी से लड़ाई ना करें, अपने पति को पलट कर किसी भी बात का जवाब ना दें और घर में हो सके तो सात्विक भोजन ही बनाएं। सात्विक भोजन से मतलब है कि लहसुन प्याज खाने में न डालें, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भोलेनाथ की कृपा आप पर रहती है, तो इसलिए हो सके तो सारे घर के लोग सात्विक भोजन करें और आप जो व्रत हैं तो आप व्रत रहें। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ ही हम आपको बता देते हैं कि हड़ताल का तीज व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। हड़ताल का तीज का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, क्योंकि भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही माता पार्वती जी ने भगवान शिव के लिए कठिन तपस्या की थी, कठिन तप करके व्रत किया था उनका, तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मिले थे। तो इसीलिए हड़ताल का तीज का जो त्योहार होता है ये भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही मनाया जाता है। तो इस बार ये जो
शुक्ल पक्ष की तृतीया है तो ये 18 तारीख को पड़ रही है, तो इसलिए ये व्रत 18 तारीख को ही मनाया जाएगा। व्रत आपको रहना है तो आप 18 तारीख को ही रहें। वैसे तो हड़ताल का तीज का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:08 पर हो रहा है और इसका समापन दोपहर में 12:49 पर होगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार माने तो ये जो त्योहार है हमारा हड़तालिका तीज का, तो ये 18 सितंबर को ही मनाया जाएगा। हड़तालिका तीज की जो पूजा है वह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कर सकती हैं आप, ये शुभ मुहूर्त है। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की आराधना करें, काली मिट्टी बालू रेत की प्रतिमा बनाएं और भगवान शिव की पूजा आराधना करें। माता जी को 16 सिंगार का सामान चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने हाथों में मेहंदी लगाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। लाल रंग की साड़ी पहनकर ही पूजा करें। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।